इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले रूसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत। दोनों नेताओं के बीच चाय पर चर्चा हुई है। पुतिन और मोदी के बीच गर्मजोशी भरी तस्वीरों की काफी तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। आज अनौपचारिक रूप से हम घर के वातावरण में हम उसी मामलों पर बात कर सकते हैं। ये मेरा औपचारिक निवास है, मैं यहाँ पे रहता हूँ। यहाँ पे मेरा ऑफिस है जहाँ पे मैं अपने सहकर्ताओं में काम करता हूँ। एक घराना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर होता है और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया। आपने अपना पूरा जीवन जनता को समर्पित किया है और जनता ये जानते हैं। आपकी बात सही है, मेरा वन लाइफ वन मिशन है मेरा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं। पीएम मोदी के सोमवार शाम को नोवो ओगारियोवो स्थित सरकारी आवास पर पहुंचने पर पुतिन ने गले मिलकर और हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया। यहां दोनों नेताओं के बीच दोस्ती की खास जुगलबंदी दिखी। हम आपको रूस दौरे की चार तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने रूस दौरे पर आमंत्रण के लिए पुतिन को धन्यवाद दिया। पुतिन ने पीएम मोदी को गोल्फ कार्ट में बिठाकर सरकारी आवास के आसपास सैर कराई। इस दौरान पुतिन ने खुद ही गोल्फ कार्ट ड्राइव भी की। वहीं डिनर पर पीएम मोदी और पुतिन की कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। भारत और रूस जो कि पुराने रक्षा सहयोगी हैं और दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध भी हैं। अपने रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर गए पीएम मोदी का मॉस्को में शानदार स्वागत हुआ। रूस के डिप्टी पीएम खुद प्रधानमंत्री मोदी के लिए एयरपोर्ट आए। आज पीएम मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इसके बाद सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बाद में विधानहा में एक प्रदर्शनी केंद्र में जाएंगे। इसके बाद वो द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे और फिर क्रेमलिन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारतीय समय अनुसार पीएम मोदी वियना के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर रात करीब 10 बजे वियना पहुंचेंगे। रात करीब 12 बजे वो ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ डिनर करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और दोनों ने रूस और भारत के रिश्तों को लेकर चर्चा की। पीएम मोदी का ये दौरा दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार और रक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। मेरा वन लाइफ वन मिशन है मेरा देश। बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। जंग में रूसी सेना में तैनात भारतीयों को रूस वापस भेजेगा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने पुतिन के साथ डिनर में इस मुद्दे को उठाया था और इसके बाद जानकारी ये मिल रही है कि रूस की सेना में जो भारतीय हैं उन्हें रिलीज किया जाएगा, उन्हें वापस भारत भेजा जाएगा। भारत की ओर से ये मुद्दा उठाया गया। ये जानकारी मिली थी कि रूस में जो भारतीय लोग हैं उनमें से कई लोगों को युद्ध में भेजा गया है और इसको लेकर के यहां भारत में काफी हल्ला भी मचा था, काफी विवाद उठा था। और मोदी और पुतिन की मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हामी भर दी है जो भी वहां भारतीय रूसी सेना में हैं उन्हें वापस भेजा जाएगा। मॉस्को में मोदी और पुतिन की मुलाकात पर वर्ल्ड लीडर्स की नजर है। मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री देखते ही बन रही है। पीएम मोदी को राष्ट्रपति पुतिन ने वेलकम किया। इसके बाद घुड़सवारी के शौकीन पुतिन पीएम मोदी को अपने अस्तबल भी ले गए। इसके बाद रशियन घोड़ों का स्पेशल शो भी ऑर्गेनाइज किया गया और इस दौरान दोनों देशों के झंडे लेकर के वहां घुड़सवार नजर आए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरह से स्वागत किया गया और दोनों देशों के बीच औपचारिक जो संबंध है उसके अलावा ये जो गर्मजोशी देखने को मिलती है ये बताती है कि भारत और रूस के दोनों के नेता किस तरह से एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना होने से पहले ये कहा भी था कि अपने दोस्त पुतिन के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा करूंगा। तो औपचारिक संबंध के साथ साथ यहां पर निजी संबंध भी दोनों नेताओं के बीच देखने को मिल रहे हैं और ये केमिस्ट्री देखते ही बनती है।